गाजीपुर जिले की रफ्तार को लगा ब्रेक अब दूर होने की कगार पर है। हम बात कर रहे हैं गंगा नदी पर बने हमीद सेतु की। खामियों की वजह से इस पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया है, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है जो गाजीपुर के लोगों को राहत दे सकती है। दरअसल हमीद सेतु के पिलर नंबर 11 व 12 के मध्य ज्वाइंटर नंबर 24 के स्पैन के लिफ्टिंग का काम सोमवार देर शाम शुरू हो गया है। हाइड्रोलिक प्रेशर जैक के सहारे 46 दिन बाद इंजीनियर पंकज सिंह व पराग पटेल की देखरेख में ये काम शुरू हुआ है। इस दौरान मरम्मत में जुटे इंजीनियरों के आग्रह पर एहतियातन पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर चार पहिया, तीन पहिया, दो पहिया सहित सभी तरह के वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। केवल पैदल व साइकिल सवारों को आने जाने की अनुमति प्रशासन ने दी है, ताकि लिफ्टिंग के दौरान किसी तरह की नई समस्या न उत्पन्न हो। अब आपको इससे जुड़ी अच्छी खबर बताते हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि चार पहिया गाड़ियों के लिए पुल 20 अगस्त से खुल सकता है। आपको बता दें कि सोमवार को दोनों तरफ से आवागमन रोके जाने के बाद से पुल के दोनों तरफ जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। लोगों को पुलिस मरम्मत का हवाला दे दूसरे सुरक्षित मार्गों से जाने के निर्देश देती रही। मरम्मत में जुटे इंजीनियरों की माने तो लिफ्टिंग के करीब 4 घंटे बाद देर रात 10 बजे से बाइक सवारों को पुल से धीमी गति से गुजरने की अनुमति होगी, ताकि आम जन को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। मरम्मत कार्य अगले माह के प्रथम सप्ताह तक पूरा होने की उम्मीद है। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।